हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? मैं ठीक हूँ। और फ्रेंड्स, ये आज मैं इसको सेंगरी डेंगा बोलते हैं हमारे आसामिस में। ये छोटा छोटा पौधा है, इसको मैं मतलब कि इसकी सब्जी बनाऊंगी। पता नहीं आप लोग कभी खाए हो या नहीं, लेकिन हमारे आसामिस में तो ये फेमस है। इसका थोड़ा टेस्ट खट्टा जैसा होता है। और ये मैंने सारा कुछ ले लिया, मेरी मिनी गार्डन से ही इस पे उगा था, तो मैंने इससे सारा पौधा तोड़ लिया। और फ्रेंड्स, इस पे मसाला वगैरह नहीं देता है, सिर्फ प्याज और मिर्ची से ही मतलब बनता है। करके अभी मैं बनाऊंगी। इसके लिए मैंने ये एक बड़ा साइज का आलू और एक छोटा साइज का मतलब कि दो आलू ले लिया। और इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल, प्याज और दो लाल मिर्च डाल दिया। और साथ ही इसमें मैंने स्वाद के अनुसार हल्दी और नमक डाल दिया। और इसके बाद जो उबला हुआ आलू था उसको मैं हाथ से ही मैश कर दी, इसमें डाल दूँगी और थोड़ा सा इसको फ्राई करूँगी। और उसके बाद ही एक मिनट जैसे फ्राई किया, उसके बाद मैं ये सारा कुछ, ये पत्ता पौधा सब डाल दूँगी, ये सेंगरी टेंगे का पत्ता। और उसके बाद इसको मैं तीन चार मिनट ऐसे करके फ्राई करने के बाद ये ऐसे मुरझा जाता है, इसका ये जार जैसा निकलता है। और उसके बाद में पानी डाल लूँगी और ये जार को मैं निकाल लूँगी कढ़ाई से। और उसके बाद इसका पानी निचोड़ के ये जार को मैं फेंक दूँगी। और उसके बाद ये मछली डाल दूँगी, ये मछली मुंडी है ये, और इसको मैं थोड़ा सा तोड़ भी दूँगी और अलग करके मछली के पीस भी डाल दिया। थोड़ा सा उबालने के लिए दे दिया और मुझे जितनी तरी चाहिए उतनी रख के मैंने गैस ऑफ कर दिया। और ये मैं कटोरी में ले रही हूँ और ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग भी कभी ऐसे बना के खाइए। बाय बाय।